बिसमीम् अल्लाकम्रीमन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इन और मेरी वीडियो के इंतज़ार में भी होंगे तो आज अगर आपको गैस है कोई मेदे की प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं जो चटनी बनाने जा रही हूँ उसके इस्तेमाल से आप इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है इसके लिए आप अदरक का एक टुकड़ा ले लें थोड़ा सा देसी लहसुन ले लें ले और अनारदाना थोड़ा सा लेके मैंने उसको धो के रख लिया है आप इसको अच्छी तरह से धो लें क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है और पुदीना भी मैंने बना के धो के रख लिया है अब मैं इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर के जग में डालूँगी अगर आपके पास जग है तो आप उसमें डाल लें मेरे पास ये हैंड मिक्सर है मैं इसके साथ ये चटनी बना रही हूँ आप अपने जग में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो वो डाल सकते हैं हाँ जी भी बस इसमें हमने ना कोई नमक डालना है ना हम कोई मिर्चें डालेंगे इसमें जो अनारदाना हम डाल रहे हैं उसका जायके उसके जायके की वजह से ये बहुत ही मजे की बनेगी और इसको चस्का चटनी भी कह सकते हैं आप क्योंकि इसमें वो अनारदाने के टेस्ट की वजह से ऐसे लगता है जैसे हम कोई चस्का ही लगा रहे हैं खाने के साथ और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है मेरी चटनी ये देखें तैयार हो चुकी है तीन में दो मरतबा खाने के साथ खा लें या खाने के बगैर एक एक चम्मच चाय वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़